चैप्टर हमारा है इस बैट अराउंड अस प्योर शब्द का मतलब होता है इसमें कोई भी मिक्सिंग ना हो, इसे हम क्या बोलते हैं। पर रियलिटी ये है कि ऐसी कोई चीज नहीं जो प्योर हो, उसके अंदर कोई ना कोई मिक्स होता ही। सबसे पहले जो हम वर्ड पढ़ रहे हैं हमारा क्या है, प्योर का मतलब है कि वो चैप्टर हमारा यही हमारे आसपास जो चीजें क्या वो प्योर है या फिर ठीक है। सब्सटेंस की अगर हम बात करें सेम होती है। क्या होती है? क्योंकि एक तरह के एलिमेंट का प्रॉपर्टी भी क्या होगी, सबकी सेम सेम केमिकल। ठीक है, तो प्योर का मतलब होता है कि उस सब्सटेंस में कोई भी मिक्सिंग नहीं है। दूसरा, प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है कि उसके अंदर कैसे एलिमेंट्स हैं, एक तरीके के। दूसरा, प्योर एलिमेंट्स जो होते हैं, प्योर सब्सटेंस के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे उन सबकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, क्लियर है? इसमें सिर्फ एक तरह के एलिमेंट्स होंगे, दो तरह के नहीं होंगे। अगर दो तरह के आ गए तो वो प्योर सब्सटेंस नहीं हुआ, वो सिर्फ सब्सटेंस होगा। और सिर्फ देखो सब्सटेंस के बारे में, अ सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर, सब्सटेंस इज अ काइंड ऑफ मैटर दैट कैन नॉट बी सेपरेटेड, कैन नॉट बी सेपरेटेड into other kind of matter that into other kind of bad matter by any physical process.
अदर मैटर एंड विजिबल प्रोसेस. इनटू अदर मैटर एंड विजिबल प्रोसेस. मिक्सचर का मतलब होता है, ऑप्शन में आ रहा है मिक्सचर का मतलब क्या है, ये प्योर तो नहीं है, ये कैसा है हमारा प्योर मिक्सचर है ना. मिक्सचर का मतलब क्या है, इसमें चीजें मिली हुई है, ये प्योर तो नहीं है. तो मिक्सचर हमारा क्या होता है बेसिकली, ये प्योर सब्सटेंस क्या होता है हमारा, ये दो या दो से ज्यादा से बना होता है, टू और मोर सब्सटेंस, कम से कम दो तो होंगे. अगर किसी को मिक्सर बनना है तो उसमें कम से कम कितनी चीजें होनी चाहिए, दो. दो क्या बन जाएगा हमारा मिक्सर. और मिक्सर हमारे पास जो होता है वो दो तरीके का होता है, एक हमारा होता है होमोजीनियस मिक्सर और एक हमारा होता है हेट्रो मिक्सर. होमो का मतलब होता है जिसमें दो चीजें आपस में पूरी तरीके से घुल जाती है. जैसे मान लो आप पानी में अगर नमक को घोलो तो कम्प्लीटली घुल जाएगा, पानी में चीनी घुल पूरी कम्प्लीटली घुल जाएगा, वो कैसा होता है हमारा कम्प्लीटली मिक्स टुगेदर. ठीक है, वो कैसा होता है हमारा होमो. मिक्सर का मतलब क्या होता है, इसमें दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होंगे, तो क्या बोलते हैं उसको मिक्सर. दो तरीके का है, होमो और हेट्रो. होमो का मतलब क्या है, इसमें दोनों चीजें आपस में घुल जाएंगे, हेट्रो में आपस में नहीं घुलेंगे. जैसे अगर आप पानी में रेत घोलो भूल जाएगी क्या, वो नीचे बैठ जाएगी, चौक ले लो वो भी नहीं घुलेगी, नीचे बैठ जाएगी, इसमें कम्प्लीटली नहीं घुलेगी. ठीक है, तो मिक्सर हमारे पास दो तरीके का है, होमो और हेट्रो. होमो का मतलब क्या है, इसमें जो भी चीजें हम घोलेंगे दो चीजों को तो वो आपस में घुल जाएगा, इसमें आपस में. अगला हमारा जो वर्ड है वो हमारा है पूरे चैप्टर में सॉल्यूशन. सॉल्यूशन ही पढ़ते हैं. सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन बेसिकली एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है. क्या होता है, होमोजेनियस, यानी कि सॉल्यूशन में हम जो चीजें पढ़ेंगे वो आपस में घुली हुई है. क्या है वो, क्योंकि होमो का मतलब क्या होता है, आपस में घुल जाता. जैसे मान लो आपने नींबू पानी बनाया तो पानी में नींबू घुल जाता पूरी, तो वो एक सॉल्यूशन बन जाएगा. क्या बन जाएगा, वैसे अगर पानी में चीनी घोलो वो भी क्या बन जाएगा, एक सोल्यूशन. अगर आप पानी में नमक डालते हो तो उसे हम बोलते हैं लाइव सोल्यूशन. क्या बोलते हैं, लाइव वाटर बोलते हैं, सलाइन सोल्यूशन बोलते हैं. अगर पानी में क्या डालो नमक, क्या बोलते हैं उसको, सलाइन सोल्यूशन. तो सोल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर जिसमें चीजें आपस में कम्प्लीटली घुल जाती है. क्लियर हुआ, सोल्यूशन जो है दो चीजें इसके अंदर है, एक रहेगा सोल्यू एक रहेगा सॉल्यूट. सॉल्यूट का मतलब होता है कि जो सॉल्यूशन हमारे पास है, जो चीज लेस अमाउंट में इसमें है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूट, और जो मोर अमाउंट में है उसे हम बोलते हैं सॉल्ट. जैसे मान लो आप पानी के अंदर नमक घोल रहे हो तो कौन ज्यादा होगा, पानी या नमक, कौन ज्यादा होगा, तो जो ज्यादा अमाउंट में है क्या बोलते हैं सॉल्वेंट. तो नमक पानी में सॉल्वेंट कौन हो जाएगा, पानी, और नमक क्या हो जाएगा हमारा सॉल्वेंट. अगर आप पानी में चीनी घोल रहे हो तो कौन ज्यादा रहेगा, पानी या चीनी, तो सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, पानी, और चीनी क्या हो जाएगा सॉल्वेंट. आया समझ में, सॉल्यूशन हमारा क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर. ठीक है ना, और ध्यान रखना होमोजीनियस मिक्सचर को फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. जैसे मान लो मैंने आपसे बोला कि पानी में चीनी घोल दो कम्प्लीटली, तो क्या तुम चीनी अलग कर लोगे बाद में, नहीं हो सकता. पानी में नमक घोल दिया वो भी अलग नहीं हो सकता. तो सोल्यूशन जो हमारा होमोजेनियस मिक्सचर है, सोल्यूशन में जो चीजें हैं उसको आप लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते. जाना फिजिकल मेथड का मतलब क्या, यहाँ पे किसकी बात करूंगा, फिल्ट्रेशन की. किसकी बात करूंगा, फिल्ट्रेशन. चाय बनाते हो चाय पानी अलग कर देगा, छान के उसी को बोलते हैं फिजिकल मेथड. ठीक है ना,
लेकिन यहाँ पर सोल्यूशन में से आप किसी को भी फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। सोल्यूशन में दो चीजें रहेंगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्यूट क्या होता है हमारा, जो कम अमाउंट में होता है। सॉल्वेंट क्या होता है, जो हमारा ज्यादा क्लियर हुआ। मिक्सचर का मतलब क्या होता है, दो या दो से ज्यादा सब्सटेंस होते हैं तो कैसा होता है ये इम्प्योर। जो मिक्सचर है वो दो तरह का है, होमो और हेटेरो। होमो का मतलब क्या है, इसमें कम्प्लीटली घुल जाएंगे, इसमें कम्प्लीटली नहीं। अगर मैं होमो का एग्जाम्पल लिखू तो मैं क्या ले सकता हूँ, शुगर सोल्यूशन है ना, पानी में अगर चीनी घोलोगे तो घुल जाएगा। हेटेरो में क्या होता है, चॉक विद वाटर, वो नहीं घुलता। क्लियर है। अच्छा, जो सोल्यूशन है वो प्योर सब्सटेंस होगा या इम्प्योर होगा, प्योर रहेगा ना। तो सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, उसमें चीनी और पानी मोल घुल रहे हो ना, दो चीजें आ गई तो कैसा हो जाएगा वो, आई बात समझ में। तो हम पढ़ रहे मिक्सचर, मिक्सचर में तीन चीजें पढ़ती है, एक अगर पढ़ना सोल्यूशन, एक मोलर बेस स्ट्रक्चर, स्टार्ट कर रहे हैं सोल्यूशन। पहला ये कि जो सोल्यूशन है वो हमारा होता है होमोजेनियस मिक्सचर। कैसा होता है ये पहले बता दूं। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, लेकिन आप बताओ ये बताओ होमोजेनियस मिक्सचर क्या होता है, कंप्लीटली मिक्स हो जाता है। क्या बोलते हैं मेरे हाँ में आप लोग पढ़ो, देखो बताओ बताओ मैं क्या होता है। ये होता है ट्रांसपेरेंट। कैसा होता है ये बताओ, अगर मैं पानी में नमक घोल दूं और उस मिक्सचर को सॉल्यूशन को मैं रखूं एक कांच की ग्लास के अंदर, क्या मुझे आप पर दिखाई देगा, बिल्कुल दिखाई देगा, क्यों वो घुल जाएगा पूरा। अगर मैं पानी में रेत घोल दूं या चीनी डालूं तो वो नहीं दिखाई देगा, क्योंकि वो सिंपल हमें एक पांच से मान लो थोड़ा सा गिला, जो रेत के पार्टिकल्स है वो नहीं घुलेंगे पूरी तरीके से। तो जब नहीं घुलेंगे तो वो सॉल्यूशन में रहेंगे तो हमें दिखाई नहीं देगा। लेकिन अगर हम बात करें शुगर सॉल्यूशन की या सॉल्ट सॉल्यूशन की, तो सॉल्ट और शुगर आपस में घुल जाता है तो वो आर पार हमें दिखाई देगा। जब आर पार दिखाई दे तो बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। क्या बोलते हैं, ठीक है। और ये मान लो गिलास है, इसमें मिला हुआ है जिसके आर पार मुझे दिखाई दे रहा है, तो अगर मैं इस कोने से टॉर्च मारूंगा क्या मुझे इस पर लाइट दिखाई देगी, लाइट किसमें दिखाई नहीं देगी, जब बीच में कोई रोकेगा या फिर रोकने वाला है क्या, आर पार जा रहा है ना बिल्कुल तो दिखाई देगा। जब आर पार लाइट दिखाई दे उसे बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। क्या बोलते हैं, टिंडल इफेक्ट। और अगर आर पार लाइट जा रही है तो वो बोलते हैं कि टिंडल इफेक्ट दिखाएगा, और अगर नहीं जाएगी तो टिंडल इफेक्ट बिल्कुल नहीं दिखाई देगी। ये टिंडल इफेक्ट दिखाता है, ठीक है। सोल्यूशन में हमारी तीन प्रॉपर्टी है, पहला हमारा कैसा सोल्यूशन है ये होमोजेनियस मिक्सचर, दूसरा कैसा होता है ट्रांसपेरेंट, तीसरा कैसा होता है टिंडल इफेक्ट। अच्छा, होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है कि इसके जो सोल्यूशन होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे, उनको फिजिकल मेथड से अलग पार्टिकल्स कांट बी सेपरेटेड By filtration, ठीक है ना। मतलब कि इसके अंदर अगर मैं पानी में नमक घोल दूं तो मैं नमक को फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकता। क्लियर हुआ। तो सोल्यूशन की चार प्रॉपर्टी, पहला कैसा है ये होमोजेनियस, दूसरा कैसा है ट्रांसपेरेंट, टिंडल इफेक्ट दिखाया हुई टॉर्च आस पास चली जाएगी, चौथा कैसा होता है कि पार्टिकल जो है वो फिजिकल या फिल्ट्रेशन से अलग नहीं होते, ठीक है ना। इसका मैं एग्जाम्पल क्या दे सकता हूँ, शुगर प्लस वाटर, शुगर प्लस जैसा हमारा होगा होमोजेनियस सॉल्यूशन, ठीक है। देखो बड़ा देखो, सस्पेंशन जो हमारा होता है वो हमारा होता है
हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैसा होता है? इसका मतलब क्या होता है? जो कम्प्लीटली मिक्स है नहीं होगा, सब क्या बोलते हैं? ठीक है ना। इसका एग्जांपल क्या हो सकता है? सैंड प्लस वाटर, पानी में रेत उबलती नहीं है। अच्छा, अगर पानी में रेत डाल रहे हो तो ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? पानी या रेत? तो पानी क्या होगा? सॉल्वेंट। और जो कम अमाउंट में रेत उसे क्या बोलेंगे? सॉल्वेंट। यहाँ पर जो सैंड है वो हमारा है सॉल्यूट, और जो वाटर है वो हमारा क्या होता है? अगर मैं पानी में रेत को डाल रहा हूँ तो ये बताओ क्या मैं रेत को देख सकता हूँ? देख सकती है ना, ये गुलती तो आई नहीं, दिखेगी दिखेगी, नीचे बैठे दिखाई देगी। लेकिन अगर पानी में नमक को घोलो तो घुले हुए नमक दिखाई देगा मेरे को? मतलब कि अगर मैं इससे पहले पढ़ू सोल्यूशन, देखो अगर मैं सोल्यूशन की बात करूँ तो सोल्यूशन में जब पानी में नमक को घोल रहे हैं तो नमक को हम लोग देख नहीं सकते। लेकिन अगर मैं सस्पेंशन की बात करूँ, जब पानी में रेत को घोल रहा हूँ तो मैं रेत को देख सकता हूँ, यानी कि सॉल्यूट पार्टिकल यानी कि सैंड उसको हम लोग देख सकते हैं। सॉल्यूट कैन बी सी विद आई। अरे समझे, तो सस्पेंशन में और सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन कैसा था हमारा? होमोजेनियस। सस्पेंशन कैसा हमारा है? हेट्रोजीनियस, पहला डिफरेंस। दूसरा, जो सॉल्यूशन है उसमें जो पार्टिकल्स है उनको हम लोग देख नहीं सकते, और यहाँ पर क्लियर है। अच्छा, पानी में से मैं रेत को अलग कर सकता हूँ, छान के कर सकते हैं, तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स है कैन बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है ना, पानी में से मैं नमक को अलग नहीं कर सकता जो घुला हुआ है, लेकिन मैं पानी में से रेत को अलग कर सकता। ठीक है, और जो पानी में जब मैंने नमक को घोला था तो वो था एक ट्रांसपेरेंट सॉल्यूशन। कैसा था? ट्रांसपेरेंट का मतलब क्या होता है? जिसके आर पार मुझे बिल्कुल क्लियर दिखाई दे, बिल्कुल क्लियर। लेकिन अगर पानी में रेत को मिलाऊंगा ना तो मुझे क्लियर दिखाई नहीं दे। जब मुझे दिखाई तो देगा लेकिन क्लियर दिखाई नहीं देगा, उसे हम बोलते हैं ओपेक। क्या बोलते हैं? देखो, जिसके आर पार क्लियर दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसपेरेंट। जिसके आर पार क्लियर नहीं दिखाई दे और थोड़ा बहुत दिखाई दे उसे क्या बोलते हैं? और जिसके आर पार बिल्कुल ही दिखाई ना दे उसे क्या बोलते हैं? थोड़ा बहुत मेरे पास पानी है, मेरे पास अगर मैं पानी में रेत को घोलूंगा तो रेत घुलेगी नहीं, कहाँ बैठ जाएगी हमारी? तो ये बताओ, मैं यहाँ से देख रहा हूँ जहाँ रेत रखी हुई है, क्या यहाँ दिखाई देगा कुछ? तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग? अगर मैं यहाँ लाइट मारूंगा तो यहाँ से दिखाई देगी क्या लाइट? मतलब ये वाला डिटेल इफेक्ट क्लियर है? डू नॉट शो इंडल इफेक्ट। देखो, जो हमारा कोलोइडल सॉल्यूशन होता है ये दिखने में हमें लगता है होमोजेनियस, बट ये होता है हेट्रोजीनियस। जैसे मैं आपसे पूछूं कि दूध है और उसमें पानी मिलाओ, पूरा मिल जाएगा? अब क्या करो, रात भर ना एक कंटेनर में दूध और पानी, दूध रख दो उसमें पानी मिक्स कर दो, जब सुबह उठोगे ना आपको दूध की लेयर अलग दिखाई देगी, पानी के हल्के से दिखाई देगी। ठीक है, होता है ऐसा, अगले दिन दूध वाला बात होती है, तुम जो छोटा वाला खाए दूध में अगर पानी ना, ठीक है, और सुबह रख दो कटोरी में किसी कंटेनर, सुबह देखोगे ना जो पानी होता है वो अपने आप कहाँ दिखाई देगा, बिल्कुल अलग से।
तो मुझे क्या लग रहा है कि दूध में पानी मिक्स हो चुका है, मुझे क्या लग रहा है वो होमोजीनियस। पर वो होता कैसा है? होमोजीनियस क्या मुझे दूध दूध के आर पार दिखाई देगा? है दिखाई देगा? अगर मैं दूध में पानी मिलाते जाऊँ मिलाते जाऊँ मिलाते जाऊँ मिलाते जाऊँ, या ब्लड ले लो, ब्लड जो हमारा कोलोइडल होता है ना, वो हमारा होता है ट्रांसल्यूसेंट। कैसा होता है? ठीक है। और जब यहाँ से टॉर्च मारते हैं तो यहाँ से लाइट हमें दिखती है, यानी कि ये टिंडल इफेक्ट को दिखाता है, शो टिंडल इफेक्ट। आई बात समझ में? अच्छा, क्या मैं इसके पार्टिकल्स वाला कर सकता हूँ? ये सोचता है ना दूध में पानी लग कर दोगे, बताओ पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय फिल्ट्रेशन। ठीक है, देखो तीन तरह के हमारा मिक्सचर है। पहला हमारा कैसा है? सोल्यूशन। सोल्यूशन कैसा होता है हमारा? होमोजेनियस, मिला हुआ होता है। दूसरा हमारा क्या था? सस्पेंशन, वो कैसा था हमारा? हेटेरोजेनियस। तीसरा हमारा कौन सा है? कोलोइडल, जो दिखता हमें होमोजेनियस है पर होता कैसा है वो? कैसा होता है? ट्रांसल्यूसेंट, टिंडल इफेक्ट दिखाता है, और पार्टिकल्स को हम लोग फिल्ट्रेशन से अलग नहीं कर सकते। ठीक है ना, देखिए, और जो सॉल्यूट पार्टिकल्स हैं उनको हम लोग आंखों से नहीं देख सकते। सॉल्यूट पार्टिकल्स कैन नॉट बी सी सोल्यूशन को हम लोग दो तरीके से, दो तरीके के सोल्यूशन हमारे पास होते हैं। एक हमारा होता है सैचुरेटेड सोल्यूशन, एक हमारा होता है अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। देखो अगर हम लोग पानी में चीनी घुला बोल रहे तो चीनी घुलती जाएगी घुलती जाएगी घुलती जाएगी पानी में, और चीनी जब घोल रहे हो तो ज्यादा अमाउंट में कौन होगा? और कम अमाउंट में कौन होगा? चीनी। यानी कि शुगर सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो जो शुगर है वो हमारा रहेगा सॉल्यूट। क्या रहेगा हमारा? सॉल्यूट। और जो वाटर है वो हमारा रहेगा सॉल्वेंट। यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं? चीनी को पानी में, तो सॉल्यूट को किसमें डाल रहे हैं? सॉल्वेंट। ये कर रहे हैं ना, जब चीनी पानी में घुल सकती है और घुल रही है यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं? सैचुरेटेड। क्लियर हुआ? यानी कि चीनी पानी में घुल रही है तो वो कैसा सॉल्यूशन है? सैचुरेटेड। अगर मैं रेत को लूं तो रेत पानी में घुल जाएगी क्या? मतलब सॉल्यूट सॉल्वेंट में डिसॉल्व जब नहीं होगा उसे क्या बोलते हैं? अनसैचुरेटेड। Then, the other,